हेलो ऑल, दिस इज विनय सिंह फ्रॉम विश अकेडमी डॉट कॉम एंड यू आर वॉचिंग हाउ टू मेक वेबसाइट प्रोफेशनली। हमारे रे प्रोजेक्ट को हम फुली रिस्पॉन्सिव बना चुके हैं लास्ट वीडियो में एंड अब हम उसे डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स पर चेक करेंगे एंड उसका यूआई चेक करेंगे कि कहीं पर कोई बग तो नहीं आ रहा है। अगर कोई बग आ रहा है तो हम उसे फिक्स करेंगे। इसे कहते हैं क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, आपके वेब प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर पर चेक करना। ओके, सो शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास चार ब्राउजर्स हैं, मोजिला, क्रोम, ओपेरा और सफारी। तो ये चार सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है जिनमें हम चेक करने वाले हैं हमारे वेब प्रोजेक्ट को। आप चाहे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी इसे चेक कर सकते हैं। वेल, एट दिस टाइम मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर अवेलेबल नहीं है, सो मैं इन चार ब्राउजर्स में आपको चेक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं मोजिला में। सो मोजिला में हमने इसे बनाया था और मोजिला में कहीं पर भी कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है, सब स्मूथली हो रहा है। अब देखते हैं क्रोम में। सो क्रोम में हमें जाना है लोकल होस्ट पे फैशन साइड में। यहाँ पर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके, ट्रांजिशंस भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, मतलब CSS3 भी काम कर रही है इसमें। ठीक है, इसके बाद सफारी में। सो सफारी में लोकल होस्ट पे फैशन साइट, सफारी में कुछ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे सर्च बार, सफारी में और इंटरनेट एक्सप्लोरर में सबसे ज्यादा इशू हमें फेस करने होते हैं जब हम क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करते हैं तब। ओके, देन यहाँ पर भी वर्क कर रहा है। जनरली सफारी में वेंडर प्रीफिक्स की भी प्रॉब्लम्स सामने आती है, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स फ्री का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रीफिक्स फ्री JS लगाई है सोर्स कोड में, jQuery.js के ठीक नीचे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसे किस तरह लगाना है। आपको जाना है google.com पर, देन आपको यहाँ पर लिखना है प्रीफिक्स फ्री JS। ओके, देन आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगी, इट्स livro.github.io/prefix-free। इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ओनली 2KB gzipped फाइल आपको दिखाई देगी, इस पर क्लिक करना है। देन इसे सेव करना है Ctrl+S प्रेस करके। देन असेट्स में JS में prefix-free.js नाम से इसे सेव करना है। ओके, देन इसे आपको लिंक कर देना है index.html में एंड सभी वेब पेजेस में आपके प्रोजेक्ट के। तो इसे आपको हर एक CSS3 प्रॉपर्टी के लिए ब्राउजर वेंडर यूज नहीं करना होगा, जिससे आपका टाइम सेव होगा एंड फाइल की साइज भी छोटी रहेगी। ओके, सो सफारी में हम इसे चेक कर रहे थे। सफारी में सर्च बार का एक बग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह अदर ब्राउजर्स में शो हो रहा है। सो चलिए इसे फिक्स करते हैं। आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है सफारी में। अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट का ऑप्शन नहीं देख पा रहे सफारी में, तो आपको अल्ट प्रेस करना है, देन एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, यहाँ पर आपको एडवांस में जाना है एंड शो डेवलप मेनू इन मेन्यू बार पे चेक करना है। ठीक है, देन राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट। सबसे पहले इसका ट्रांसपेरेंट कलर जो है वो वाइट हो चुका है सफारी में, तो इसे सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर लगाना है वेबकिट अपीयरेंस नन। ओके, इस तरह से। तो इसका जो व्हाइट कलर बैकग्राउंड का जो इश्यू था वो सॉल्व हो जाएगा। इसे आपको फैशन साइड में लाइन नंबर 71 style.css में लाइन नंबर 71 में अप्लाई कर देना है। सो लाइन नंबर 71 ये रहा मेन सर्च। यहाँ पर आप लिखेंगे हाइफन वेबकिट हाइफन अपीयरेंस नन। ओके, इसके बाद इसका जो प्लेस होल्डर है वो टॉप पर दिखाई दे रहा है, जबकि जब हम इस पर टाइप करते हैं तो वो सेंटर में आ रहा है, तो प्लेस होल्डर भी सेंटर में आना चाहिए। तो इसे फिक्स करने के लिए हम फिर से सेलेक्ट करेंगे इसे एंड इसकी जो लाइन हाइट है इसे हम डिसेबल कर देंगे। लाइन हाइट डिसेबल करने पर अब राइटिंग भी टॉप पर हो रही है, लेकिन हमें चाहिए सेंटर में।
तो हम इसकी हाइट दे देंगे, हाइट 50 pixels. ओके, सो प्लेस होल्डर सेंटर में एंड टाइप भी सेंटर में हो रहा है. ओके, तो मेन सर्च में लाइन हेड को चेंज कर देंगे हाइट में, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सेव एंड रिफ्रेश. ओके, सो हम हैं सफारी में, इसे मैंने रिलोड किया एंड सर्च बार प्रॉपरली वर्क कर रहा है. ठीक है, जूम इफेक्ट भी आ रहा है, ट्रांजिशन प्रॉपर हो रहा है, हमारा स्लाइडर वर्क कर रहा है, प्रोडक्ट पे भी ट्रांजिशन स्मूथली हो रहा है एंड सभी कुछ प्रॉपर दिखाई दे रहा है. ओके, सो सभी ब्राउजर्स में हमारा जो वेब पेज है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है. अब हम इसे चेक करना है मोबाइल पर, लेकिन उसके पहले हम इसे अपलोड करेंगे इंटरनेट पर. सो मैं इसे अपलोड करने जा रहा हूँ इंटरनेट पर, लाइव करने जा रहा हूँ इसे, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे फाइलजिला का. फाइलजिला एक FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट पर अपने फाइल को अपलोड करते हैं आपके डोमेन पर, आपकी होस्टिंग सर्विस पर. ओके, सो यहाँ पर आपको होस्ट नेम डालना है, यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, पोर्ट नंबर डालना है, जो कि 21 होता है FTP के लिए एंड सिक्योर FTP के लिए 22, एंड अगर ऑलरेडी सेव है तो आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, देन यहाँ पर ये लोड होगा एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगी डायरेक्टरीज इस तरह से. अब आपको जाना है पब्लिक HTML में, देन पब्लिक HTML में आप डायरेक्टली यहाँ पर आपकी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप और फोल्डर बनाकर उसके अंदर अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. सो वेल, मेरे पास एक प्रोजेक्ट फोल्डर, उसके अंदर मैं अपलोड करना चाहूँगा अपनी साइट को यहाँ पर. ठीक है, सो फैशन साइट को मैं पिक कर रहा हूँ, ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ. ट्वीट फाइल 88 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एंड ये अपलोड होना शुरू होगी अब. सो इनकी अपलोडिंग का वेट करते हैं. ये देखिए, जैसे अपलोड होने लगेगी यहाँ पे आपको सक्सेसफुल ट्रांसफर्स में फाइल दिखाई देने लगेगी. ओके ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट अब अपलोड हो चुका है और ये लाइव ऑन इंटरनेट है, हम इसे इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं. सो मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ. ये है wishacademy.com पर प्रोजेक्ट्स में फैशन साइट, जो कि हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नाम था. ठीक है, सो ये यहाँ पर लोड हो रही है. ठीक है, सो ये अपलोड हो चुकी है एंड आप देख सकते हैं कि अगर इमेज नहीं आ रही थी यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है, एंड जैसे ही इमेज आती है तो अल्टरनेट टेक्स्ट हट जाता है. सो इसलिए हमें अल्टरनेट टेक्स्ट लगाना होता है जब भी हम इमेज अटैच करते हैं हमारे वेब पेज पर. ओके, अब हम इसे चेक करने वाले हैं मोबाइल ब्राउजर पर एंड वहाँ पर आने वाला है एक बग जिसे हम फिक्स करेंगे, क्योंकि ये साइट हमने डेस्कटॉप पर रिस्पॉन्सिव की है लेकिन अभी भी मोबाइल पर इस तरह से दिखाई नहीं देगी. तो मोबाइल पर ये किस तरह से दिखाई देगी ये मैं आपको शो करने वाला हूँ अगले वीडियो में, एंड इस बग को भी हम फिक्स करेंगे अगले वीडियो में. सो सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अपने वेब प्रोजेक्ट को चेक कीजिए क्रॉस ब्राउजर्स में, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स में, एंड अपलोड कीजिए इंटरनेट पर अपने डोमेन पर एंड दिखाइए अपने दोस्तों को. सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, हैप्पी कोडिंग.